हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ ई सी एरर कोड ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी में क्यों आता है, किस लिए आता है। देखिए, इन्वर्टर ई सी आ रहा है, एक बार मैं ऑफ़ करके ऑन करने के बाद कुछ देर चलता है, 15-20 मिनट तक चलता है। देखिए, फिर से ऑन हो गया, कुछ देर चलता है, चलने के बाद फिर से ये ई सी आने लगता है। फिर ऑफ़ करके ऑन करने के बाद ई सी एरर चला जाता है, फिर मशीन चलने लगता है, कूलिंग भी अच्छा होने लगता है। मगर इसमें एक रीज़न है, ये देखिए फिर से चल रहा है, चलते चलते फिर से इको आ गया। इसमें आपका ये भी सही है, वोल्टेज भी सही है, तो कम दिखा रहा है। पंखा का स्पीड भी सही है, पंखा का स्पीड भी सही है, इसी शो कर रहा है। ये अभी गैस चार्जिंग कर रहा हूँ, गैस कम लग रहा है मुझे, 130 होना चाहिए था, 130 से 140 होना चाहिए था, उसमें 95 है, इसलिए गैस थोड़ा कम 15 दिखा रहे हैं अभी। मगर इसमें गैस लीकेज का इशू है नहीं, इसमें इशू दूसरा है, मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। ये एम्पियर 2.3 ले रहा है, ये देख सकते हो थोड़ा सा बैक प्रेशर आपको 140 या 150 नहीं दिखा रहा है, ये थोड़ी देर बाद खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अभी ये किया, अभी एरर कोड इसी चला गया, अभी बढ़िया तरीके से चलने लग गया। इसका एक ही रीज़न है, इसका कूलिंग कॉइल चॉक्ड है, ऑयल चॉक्ड है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा भेकम हो जा रहा है, हल्का सा हो रहा है। इन फ्यूचर में भी ये फॉल्ट आ सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको नाइट्रोजन फ्लश करके एक करके देना है, बढ़िया से अच्छा करके नाइट्रोजन फ्लशिंग करके गैस चार्ज करके देना है। अभी देखिए 18 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है, इनपुट वोल्टेज भी 227 है, सब इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज दोनों बढ़िया है, इसमें और कोई कंप्लेन नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है फ्यूचर में आपको नाइट्रोजन फ्लश करके बढ़िया से गैस चार्ज करके देना है। थैंक यू।